तो नेक्स्ट एस्पेक्ट की बात करते हैं दोस्तों, इकोनॉमी की। ठीक है, अब देखो हमारे जो पूरा प्रीवियस लेक्चर जो गया है, हमने सिर्फ एक एस्पेक्ट को समझा उसके अंदर अंदर जो है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, कितना डिटेल था। ठीक है, जबकि वक्टास के बारे में तो इतना जिक्र हुआ भी नहीं, ज़्यादातर जो बात हो रही थी वो गुप्त एम्पायर की हो रही थी। अब बात करते हैं इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था कैसी थी। गुप्ता पीरियड में देयर वॉज इंक्रीज इन लैंड टैक्सेस, बट ट्रेड और कॉमर्स रिलेटेड जो भी टैक्सेस थे उनके अंदर हमें डिक्रीमेंट देखने को मिलता है, सच एज शुल्क या फिर टोल। जो टाइम पीरियड था फ्रॉम 4th सेंचुरी टू 8th सेंचुरी, इट वॉज अ पीरियड ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, खेती बाड़ी बड़ी। अब ब्राह्मदे, जो कि मैं आपको बड़े टाइम से बता रहा हूँ कि लैंड विच वॉज ग्रांटेड टू ब्राह्मण, अग्रहास और शासनास, मतलब ये लैंड जो ब्राह्मणों को दिया जाता था, इसके अलग अलग नाम आपको बताए जा रहे हैं, एंड टू सम अदर ऑफिसर्स ऑल्सो। तो वास्ट एरियाज ऑफ वर्जिन लैंड दे वर ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन। अभी वर्जिन लैंड क्या होता है, ऑब्वियस ही बात है, इसका मतलब है अनयूज लैंड, और कभी कभार ये लैंड ये भी हो सकता है, या तो वो अनसेटल्ड लैंड हो सकता है, अपराध है ना। दूसरा, वो एक कल्टीवेबल वेस्ट लैंड हो सकता है, मतलब उसके अंदर पोटेंशियल है कल्टीवेशन की लेकिन वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, अपराहत हो सकता है, या फिर अनटेड लैंड हो सकता है, खिला हो सकता है। ठीक है, किसी भी प्रकार का लैंड हो सकता हैबिटेबल लैंड नहीं होगा। तो वास्ट एरियाज ऑफ ऐसी जमीन जो कि अभी तक यूज नहीं करी गई थी, इट वॉज ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन, और बड़ी सारी इंप्रूवमेंट्स यहाँ पर हमें देखने को मिली इन द एग्जिस्टिंग मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, सच एज यूज ऑफ आयरन प्लोशेयर, इरीगेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल वेल्थ इन ऑर्डर टू अटेन हायर यील्ड। राजा जो था वो टैक्स कलेक्ट करता था, जितना भी लोग जो खेती बाड़ी थे जो प्रोड्यूस करते थे उनका या तो 1/4 प्रोड्यूस या 1/6 प्रोड्यूस। दो नए एग्रीकल्चर टैक्सेस इंट्रोड्यूस हुए थे गुप्ता इंस्क्रिप्शन में, देवर उपारिकार टैक्स इंपोज ऑन टेम्पररी टेनेंट्स एंड उद्रंग। इसका एग्जैक्ट नेचर तो क्लियर नहीं है हमें किसी भी गुप्त इंस्क्रिप्शन से, लेकिन ये एक प्रकार का वाटर टैक्स या फिर एक प्रकार का पुलिस टैक्स लगता है अपने नेचर से। एक था वत भूत टैक्स, इट वॉज प्रोबेबली असेस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ राइट्स परफॉर्म फॉर द विंड्स एंड स्पिरिट्स, इसलिए लिखा हुआ यहां पर वत भूत। एंड हली रकार क्या था, इट वॉज अ प्लो टैक्स। इन टैक्सेस के अलावा पीजेंट्स को कभी कभार फोर्स लेबर विस्टी भी देनी पड़ती थी फॉर सर्विंग द रॉयल आर्मी एंड ऑफिशियल्स। जो विलेजर्स थे उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन थी कि जब भी रॉयल ऑफिशियल्स टूर पर निकले हुए हैं उनको अनाज के बोरे दो, डेली मेंटेनेंस के आइटम दो लाइक ग्रास फॉर एनिमल्स, हाइड्स यानी कि जानवरों की चमड़ी, खाल उनकी स्किन, सॉफ्ट फर फॉर सीड्स, चारकोल फॉर कुकिंग। अब ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन जो था ये हमने देखा अभी प्रीवियस लेक्चर के अंदर, गुप्ता एम्पायर के अंतर्गत इट वॉज मेंटेन्ड बाई फ्यूडेटरीज एंड बेनिफिशरीज। सो अनलाइक मौर्यास, बिल्कुल मौर्यास के अगेंस्ट, गुप्तास डिड नॉट रेगुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन अ बिग स्केल। उसको देखने के लिए ग्राउंड लेवल पर कुछ और ऑफिसर जो थे वो थे, और वो पोस्ट भी कैसी पोस्ट होती थी गुप्ता एम्पायर के अंतर्गत, हेरिडेटरी है ना। वक्ता के इंस्क्रिप्शंस मेंशन करते हैं
एक चीज के बारे में जिसको बोला जाता है क्लिप्ट। इट वॉज अ परचेज टैक्स और सेल्स टैक्स एंड उपक्लिप्त एडिशनल माइनर टैक्स। यानी कि यहां पर बड़े सारे देख रहे हो श्रेया, टैक्स ऑन टैक्स भी है, याना डॉक्टर। अब ये गुप्ता टाइम पीरियड हो या इसके बाद का जो टाइम पीरियड हो, गुप्ता और पोस्ट गुप्ता टाइम पीरियड, इट विटनेस अ कंपैरेटिव डिक्लाइन इन द कंट्री ट्रेड एंड कॉमर्स। 550 सीई तक भारत को जो व्यापार था वो ईस्टर्न रोमन एम्पायर के साथ चलता रहा, और यहां पर किसकी बात हो रही है, बाइजेंटिन एम्पायर की, टू विच इट एक्सपोर्टेड सिल्क एंड स्पाइसेस। भारत से जाता था ये, है ना। मुझे क्वेश्चन बताओ, एक आंसर करो एक क्वेश्चन का। इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री द टर्म यवन प्रिया रेफर्स टू, क्या यवन प्रिया? अरे यवन प्रिया क्या ग्रीक है? ब्लैक पेपर, काली मिर्च है। तो अराउंड 6th सेंचुरी रोमन्स लर्न्ड द आर्ट ऑफ रेयरिंग सिल्क वॉर्म्स। अब ये क्यों करा इन्होंने श्रेया? सिल्क की डिमांड काफी ज्यादा होगी ना फॉर एक्सपोर्ट एज एन आइटम ऑफ एक्सपोर्ट, विच एडवर्सली अफेक्टेड इंडियाज एक्सपोर्ट फॉरेन ट्रेड। मंडसौर इंस्क्रिप्शन, इट इज अ टेस्टिमनी टू द फैक्ट दैट अ गिल्ड ऑफ सिल्क वीवर्स दे लेफ्ट देयर ओरिजिनल होम एट लता इन वेस्टर्न गुजरात एंड दे माइग्रेटेड टू मंडसौर। याद है हमने ये लाइन पढ़ी भी थी, जहां पर उन्होंने अपने ओरिजिनल ऑक्यूपेशन गिव अप कर दिया था और दूसरे प्रोफेशन अपना लिए थे जब उनका व्यापार मतलब काम धंधा ये अच्छा नहीं चला था, और जब वो गुप्ता एम्पायर वॉज ऑन इट्स वर्ज ऑफ डिक्लाइन। व्यापार जो था वो एक वजह से और प्रभावित हो रहा था। नॉर्थ वेस्टर्न ट्रेड रूट पे याद है व्हाइट हुंस का इन्वेजन, क्या नाम था व्हाइट हुंस का, क्या नाम था? ये था, याद आया, इट वॉज अनदर फैक्टर फॉर दिस डिक्लाइन। भारत इस लॉस को कवर करना चाहता था, मतलब करीबी कोशिश बाद में गुप्ता रूलर्स ने, लेकिन इंडिया ट्राइड टू मेक अप फॉर द लॉस बाय कैरिंग ऑन ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। लेकिन इससे अर्थव्यवस्था रिवाइव नहीं हो सकी, क्योंकि ज़्यादातर व्यापार तो नॉर्थ वेस्ट ट्रेड रूट से ही हो सकता था पॉसिबल। द लॉस इन ट्रेड इट लेसेंड द इनफ्लो ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इनटू द कंट्री। व्यापार के अंदर जो घाटा हो रहा था इसकी वजह से जितना गोल्ड और सिल्वर भारत में आना चाहिए था उतना नहीं आ रहा था। एंड इट इज कन्फर्म्ड बाय जर्नल स्केर्सिटी ऑफ गोल्ड कॉइन्स आफ्टर द गुप्तास। एंशियंट इंडिया में गुप्तास जो थे उन्होंने आपने देखा ही था बहुत लार्ज अमाउंट में गोल्ड कॉइन्स इशू करे थे, जिनको क्या बोलते थे वो, दिनार। दो द गोल्ड कंटेंट इज नॉट एज प्योर एज कुशान वन। देखो ये वाली लाइन हमने नहीं पढ़ी थी, हमें एक चीज यहां से देखने को मिली, हम इनके गोल्ड कॉइन्स से जो अभी तक इम्प्रेस हो रहे थे, इम्प्रेस होने वाली बात है बट ओनली इन टर्म्स ऑफ नंबर। बात करें प्योरिटी की तो ज्यादा प्योर गोल्ड कॉइन्स किसके होते थे, कुशान के। अभी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं फिल्म के अंदर स्टेटमेंट के फॉर्म में, और इस चीज को तो हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, है ना डॉक्टर। गोल्ड एक प्योर गोल्ड है या कैसा गोल्ड है ये तो वेरीफिएबल है ना, देख लो उसको, पता लग जाएगा घिस करके कितना कैरेट है, क्या है कैसा नहीं है, है ना, कोई मिक्सचर तो नहीं है उसके अंदर। जो गोल्ड कॉइन्स थे लेकिन ऑफ ईच सक्सेसिव गुप्ता रूलर चंद्रगुप्त टू के बाद,
इट कंटेन्ड लेस गोल्ड एंड मोर एलॉय। ऐसा क्यों? व्यापार कम हो गया ना, पूरा ध्वस्त हो गया, और गुप्ता एम्पायर उसके बाद डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। व्यापार के जो रूट्स थे उस पे हुन का इन्वेशन था, हुन ट्राइब्स का इन्वेशन था, तो सोना चांदी आ ही नहीं रहा था देश में, तो सिक्कों के अंदर सोना कम था, एलॉय ज़्यादा था। आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ वेस्टर्न सत्रप्स ऑफ गुजरात, दे इशूड अ लार्ज नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स, रुपये, मेनली फॉर लोकल एक्सचेंज एंड वेरी फ्यू कॉपर कॉइन्स ऑल्सो। यानी कि बहुत ज़्यादा जो गोल्ड कॉइन्स इशू होते थे वो किस में तब्दील हो गए? सिल्वर कॉइन्स में। मतलब दिनार से कहाँ शिफ्ट हो गया सब कुछ? रुपये में, और बाद में कुछ कॉपर कॉइन्स भी बने। तो ये क्वेश्चन अब क्लियर है, वो जो आया था 2017 में न्यूमिस्मेटिक आर्ट, गुप्ता टाइम पीरियड पे जो विजिबल थी, इट वॉज नॉट एट ऑल नोटिसिएबल इन लेटर टाइम्स। देयर इज फ्रीक्वेंट मेंशन ऑफ आर्टिसंस, मर्चेंट्स, गिल्ड्स, अलग अलग इंस्क्रिप्शंस में और अलग अलग सील्स में, फिर चाहे वो गुप्ता की हो चाहे वो वक्टक्स की हो, विच पॉइंट टूवर्ड्स थ्राइविंग अर्बन क्राफ्ट एंड ट्रेड। देर इज ऑल्सो मैंशन ऑफ फ्लरिशिंग कंडीशंस, और दान पुण्य की जो एक्टिविटीज होती थी जिसको हम लोग फिलेंथ्रॉफिक एक्टिविटीज कहते हैं गिल्ड्स की। आपको पता है दे एक्टेड एज फर्स्ट बैंकर्स, लेकिन इसके अलावा ब्राह्मणों को दान देना, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज के लिए कुछ कुछ पैसा जो है वो देना अपनी तरफ से, ये वाला काम भी ये लोग करते थे। फॉर इंस्टेंस द इंदौर प्लेट्स ऑफ द वक्टक किंग प्रवर सिंह, ये मेंशन करती है हमें ऑफ वनीजक, अ मर्चेंट नेम्ड चंद्र, इस कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में वक्टक किंग प्रवर सिंह के बारे में ये इट मेंशंस अ वनीजक, मर्चेंट के बारे में यहाँ पर एक मेंशन है, मर्चेंट को बोला जा रहा है वनीजक, उसका नाम बताया जा रहा है चंद्र, जिसने आधा गांव खरीद लिया था, डेट वॉज गिफ्टेड बाय द किंग टू द ब्राह्मण्स। किससे खरीद लिया होगा ये? ब्राह्मण से। तो अदर इंस्क्रिप्शंस मेंशन डेट मेंशन अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, शेल्टर होम्स किसके लिए? यात्रियों के रुकने के लिए ना, असेंबली हाउसेस एंड गार्डन्स बाय मर्चेंट्स। इतना कुछ ये सपोर्ट में करवा कर दे रहे हैं, सपोर्ट के तौर पर दे रहे हैं, हेल्पिंग हैंड दे रहे हैं। इनफैक्ट दे ऑल्सो टुक एन एक्टिव पार्ट इन द टाउन एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द गुप्तास। बात करें फिर सोसाइटी की, सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार से थी? द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी अंडरवेंट अ चेंज इन द गुप्ता पीरियड। ब्राह्मण सुप्रीमेसी कंटिन्यू नहीं रही, बल्कि वो इंक्रीज भी होती चली गई जैसे जैसे अलग अलग गुप्ता राजाओं का कार्यकाल आता चला गया। ये चीज हमें यहां से भी पता लगती है, पता लगती, चलो वो तो छोड़ो, इनकी सुप्रीमेसी के पीछे कारण था ब्रह्मदेव, है ना, जो ज्यादातर लैंड जो इनको गिफ्ट करा जाता था। अब अगर आप इनको लैंड बांटते रहोगे बांटते रहोगे बांटते रहोगे, तो हिंदुस्तान में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जमीन तो लिमिटेड है ना, उससे होगा क्या? ब्राह्मणों के नखरे बढ़ते चलेंगे। ब्राह्मण सुप्रीमेसी नॉट ओनली कंटिन्यूड बट रेदर इंक्रीज इन गुप्ता टाइम्स। जैसा कि मैं पता है, बड़े सारे लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे ब्राह्मणों को, नॉट ओनली फ्रॉम द रूलर्स ब्रह्मदेव, बट ऑल्सो फ्रॉम सर्टेन कैटेगरीज ऑफ अदर पीपल टू, लाइक मर्चेंट्स, गिल्ड्स, श्रेणीज। अब बदले में ब्राह्मण क्या देते थे गुप्ता रूलर्स को? गुप्ता रूलर्स इतना क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? कुछ तो मतलब होगा, राजा तो स्वार्थी होते हैं। तो इन रिटर्न ऑफ दिस फेवर एंड सपोर्ट, जो ब्राह्मण थे वो गुप्ता राजा को क्या देते थे? दे प्रेजेंटेड द गुप्ता किंग्स एज पोजेसिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड्स, किनके अंदर गॉड लाइक क्वालिटीज हैं, यानी कि किस चीज को वो लेजिटिमाइज करते थे, डिफाइन करते थे?
जनता के सामने उनके डिवाइन रूल को, जिसकी वजह से गुप्तास की पोजीशन अपनी प्रजा के सामने, जनता के सामने लेजिटिमाइज होती चली गई। और ये वाला काम कोई नया काम तो नहीं है श्रेया, ये तो हम वैदिक टाइम से भी देखते हैं, है ना। गुप्तास जो कि ओरिजिनली वैश्यास थे, दे केम टू बी लुक्ड अपॉन एज द क्षत्रियाज बाय द ब्राह्मण। और क्षत्रिय वाला स्टेटस इनको मिला कैसे था? वैसे तो चलो ब्राह्मण, जो ब्राह्मणों का जो नजरिया इनको देखने का वो देख सकते हैं, वो तो जाने दो एंगल भाड़ में, लेकिन एक्चुअली में क्षत्रियास के साथ इनका इनडायरेक्ट डायरेक्ट लिंक तो हो नहीं सकता, क्योंकि आप जिस वर्ण के अंदर पैदा हो गए तो हो गए, वो तो वैश्यास के अंदर थे तो वैश्यास ही रहेंगे। लेकिन क्षत्रियो के साथ लिंक कैसा है? मैट्रिमोनियल अलायंस वाला, याद है नाना की साइड से क्षत्रिया का जो स्टेटस था वो ये क्लेम करते थे, लिच्छावी क्लैन नेपाल, है ना, शुरुआत वहीं से हुई थी। तो सिंस द ब्रह्मदेव लैंड वॉज गिवन अलॉन्ग विद एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स एंड टैक्स एग्जेम्पशंस, इसकी वजह से हुआ क्या, एक नई क्लास की शुरुआत होती है, ब्राह्मण लैंडलॉर्ड्स। जो कास्ट थी इट प्लोरिफरेटेड, इट मल्टीप्लाइड इन टू न्यूमरस सब कास्ट इन टू दिस पीरियड, दो रीजन्स की वजह से। कास्ट यहां पर मल्टीप्लाई हो रही थी बड़ी सारी सब कास्ट में इस टाइम पीरियड में, दो रीजन्स की वजह से, बिकॉज ऑफ द एसिमिलेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फॉरनर्स, बड़े सारे फॉरनर्स का एसिमिलेशन हो रहा था इंडियन सोसाइटी में, और हर एक जो फॉरनर था ही वॉज असाइंड अ सब कास्ट। फॉर इंस्टेंस बड़े सारे जो फॉरेन रूलिंग फैमिलीज थी गुप्ता टाइम पीरियड से, लाइक ग्रीक या फिर स्काइथियन ओरिजन की, देवर गिवन सेमी क्षत्रिय स्टेटस। सिमिलरली जो हून ट्राइब जो थे जिन्होंने इंडिया को इन्वेट करा ड्यूरिंग द अर्ली 5th सेंचुरी CE, देवर ऑल्सो एसिमिलेटेड इन इंडियन सोसाइटी एज वन ऑफ द 36 राजपूत क्लैन। एक तो ये था कि कास्ट ज्यादा क्यों बढ़ रही थी, उनका प्लोरीफ्रेशन क्या हो रहा था, उनका प्लोरीफ्रेशन हो रहा था, मल्टीप्लीकेशन हो रहा था बिकॉज ऑफ एसिमिलेशन। भारत के समाज में उनको जगह दी जा रही है, स्थान दी जा रहा है इस वजह से। उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज इनटू ब्राह्मणिकल सोसाइटी, अब ब्राह्मणिकल कल्चर जैसे जैसे फैला बहुत दूर दराज के इलाकों में, अलग अलग एरियाज में, इसी वजह से हुआ क्या, लार्ज नंबर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज देवर एसिमिलेटेड इन द ब्राह्मणिकल सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ण सिस्टम। अब जो फॉरनर्स और ट्राइबल हेड थे देवर इंक्लूडेड एज क्षत्रियास, और जो ऑर्डिनरी ट्राइबल्स थे देवर गिवन द स्टेटस ऑफ शूद्र। देख रहे हो, मतलब ट्राइबल ट्राइब्स के जो हेड हैं, ट्राइबल जो ग्रुप है उसके जो हेड है, या कोई भी बाहर से इन्वेट करता हुआ ट्राइबल ग्रुप अगर भारत में चला आया तो उनको क्षत्रिय स्टेटस दिया जा रहा है, सेमी क्षत्रिय बोला जा रहा है, प्रॉपर क्षत्रिय तो नहीं, सेमी क्षत्रिय बोला जा रहा है, या फिर देखो इन्हीं को देख लो, प्रॉपर क्षत्रिय तो हुनसो भी बोला गया, राजपूत क्लैन, लेकिन जो ऑर्डिनरी ट्राइबल्स हैं जो इस देश के हैं देवर गिवन द स्टेटस ऑफ शूद्र। जो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस था शूद्रों का इट इंप्रूव ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड देवर नाउ अलाउड टू लिसन टू रामायण महाभारत और पुराण के बारे में, अब वो सुन सकते थे। देख रहे हो, ये परमिशन कहाँ छिन गई थी, ये कब बिगड़ गई थी बुरी की बुरी व्यवस्था, ड्यूरिंग लेटर वेदिक एज। अभी कुछ कुछ डोमेस्टिक रिचुअल्स भी परफॉर्म कर सकते थे जिसके लिए पहले इनके जीवन में प्रतिबंध थे, जो कि इनके जीवन में मतलब प्रतिबंध लगाया गया था, रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, एंड दे कुड नाउ इवन वर्शिप अ न्यू गॉड कॉल्ड कृष्णा, वैष्णवज्म। फ्रॉम 7th सेंचुरी ऑनवर्ड्स देवर जनरली रिप्रेजेंटेड एज एग्रीकल्चरिस्ट,
अब एक नया डिस्टिंक्शन शुरू हुआ। अभी देखो इनको, इनका तो एमलगमेशन हो गया सोसाइटी में, है ना, स्टेटस बढ़ गया ना। अब एक नई क्लास स्टार्ट हुई, एक नया डिफरेंशिएशन स्टार्ट हुआ, शूद्र एंड अनटचेबल्स। अनटचेबल्स को यहां पर द लेटर, मतलब अनटचेबल्स जिसके बारे में बाद में बात होती है उसको लेटर कहते हैं, बींग ट्रीटेड लोअर इन स्टेटस देन द शूद्र, ये शूद्र से भी नीचे थे। और अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस और इंटेंसिफाई होती चली गई। और आपको पता ना, शूद्रों को भी नीचे जो आती है उनको हम लोग चंडालास कहते हैं, अति शूद्र, स्पेशली हेटेड फॉर द चंडालास। जो चाइनीज ट्रेवलर था फाहिन, अपनी किताबों में ये मेंशन करता है दैट चंडालास लिव्ड आउटसाइड द विलेजेस। ये एनसीईआरटी में भी हमने पढ़ा था, ये चंडालास के बारे में क्या बताता है, कहता है गांव के बाहर रहते थे एंड दे हैड टू मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम द अपर कास्ट। चंडाला सफर्ड सच ग्लेयरिंग लैक ऑफ प्रिविलेजेस कि जब भी वो टाउन में एंटर करते थे या मार्केट प्लेस में, वो किसी एक बर्तन पर लकड़ियों को बजा बजा कर आते थे, ठीक है, किसी भी चीज को, लाइक दिस टू अनाउंस देयर अराइवल सो डैट अदर्स माइट नॉट टच देम एंड गेट पोल्यूटेड। और याद है ना, इस टाइम पर धारणा ऐसी चलती थी, इनकी परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए, मैंने आपको बताया था। दक्षिण भारत में अनटचेबिलिटी वाला जो नेचर था, इट अराइव्ड इन द लेट संगम एज। फॉर इंस्टेंस इन अ फेमस टेक्स्ट अचारक कोवई, अगर कोई भी अनटचेबल पुलैया पानी को टच कर ले, इट इज सीन एज अनफिट फॉर कंजम्पशन बाय हायर कास्ट पीपल, एंड इवन ग्लैंसिंग एट अ पुलैया पोल्यूट्स द अपर कास्ट पीपल, देखना भी नहीं है उनकी तरफ अपर कास्ट लोगों को, ये धारणा थी। औरतों की स्थिति और परिस्थितियों की बात करें, औरतों की स्थिति गुप्ता एम्पायर में, गुप्ता टाइम पीरियड में अच्छी नहीं थी, इट गॉट डिटेरियरेटेड फर्दर। मेन रीजन क्या था वेमेन के सबॉर्डिनेशन का, वॉज देयर कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन मैन मैन फॉर द लाइवलीहुड। राइटर आपसे कह रहा है, इट इज रेदर आयरोनिकल डैट वेमेन फ्रॉम द टू लोअर वर्णास दे वर फ्री टू अर्न देयर लाइवलीहुड। विच प्रोबेबली गिव देम सम फ्रीडम, बट वेमेन फ्रॉम द टू अपर वर्णास दे वर इवन डिनाइड दिस लिबर्टी टू, यानी कि अपना गुजारा करने के लिए औरतें घर से बाहर निकलकर काम धंधा कर सकती हैं, कौन से वर्णा में, वैश्यास और शूद्र, लेकिन ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण के लोग अपने घर में किसी भी लड़कियों को, औरतों को ये लिबर्टी नहीं देते थे। वेमेन ऑल्सो लेट प्रॉपर्टी राइट्स, बाप की जायदाद में यानी कि हिस्सेदार कौन होगा, सिर्फ बेटा। हावर दे हैड फुल राइट ऑफ देयर स्त्री धन द प्रेजेंट रिसीव बाय द ब्राइड एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। अब स्त्री धन एक तरीके से क्या होता है बताओ, दहेज, डाउरी, मतलब ये अपने बाप से कुछ भी मांग सकती थी शादी के टाइम पर, ये चलता था। एंड द फ्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल्स इन आर्ट सजेस्ट दैट देयर वॉज नो पर्दा सिस्टम इन द सोसाइटी, ये इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन एक एविडेंस पहला सती प्रथा का, विधवा का अपने आप को अपने पति की चिता पर आग लगा लेना, अराउंड 510 CE इट इज फाउंड एट एन इट इज फाउंड इन एन इंस्क्रिप्शन एट एरन इन मध्य प्रदेश। इसका एविडेंस हमें देखने को मिलता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि सती प्रथा का कंप्लीट एब्सेंस था। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सरकमस्टेंस होते थे, लेकिन अगर इंस्क्रिप्शन में मेंशनड है तो होता था। जो हर्षरिता है बाण भट्ट की, इसके अंदर एक चीज लिखी हुई है, रानी ने सती प्रथा परफॉर्म करी थी ऑन द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। किंग प्रभाकर वर्धन जब ये मर गया था, तो उसकी बीवी ने
इसकी चिता पर बैठकर सती प्रथा अपना ली थी। धर्मशास्त्र लॉ बुक्स, धर्मशास्त्र जो टेक्स्ट हैं बिलोंगिंग टू द पीरियड, दे रिफ्लेक्ट अ टेंडेंसी टूवर्ड्स लोअरिंग द एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स, कि लड़कियों की, देख रहे हो, लोअरिंग द एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स, मतलब बच्चियों की शादी, लड़कियों की शादी कब होनी चाहिए, जल्दी के बाद में, कम उम्र में, यानी कि बाल विवाह को प्रमोट करा जा रहा है ना, एंड एडवोकेटिंग अ सेलिबेट एंड हॉस्टल लाइफ फॉर द विडोज, कि वो किसी भी सेक्सुअल रिलेशनशिप में नहीं आ सकती है, ब्रह्मचर्य वाला उनको जीवन बिताना है और स्टेट जीवन बिताना है, खाना पीना सोना सुख चैन आराम ये सब कुछ से परे रहना है, दूर रहना है। संस्कृत काव्य लिटरेचर, इट रेफर्स टू द कर्टसेंस एज गणिकास, मतलब नाचने गाने के लिए दरबार में बुलाई जाने वाली औरतें, या फिर आप इनको प्रोस्टिट्यूट्स भी कह सकते हो। हु वर एडमायर्ड फॉर देयर ब्यूटी बट कुड नेवर अटेन सोशल रिस्पेक्टेबिलिटी, जैसे याद है कन्नगी, कोवलन और माधवी, मणिमेकलाई और शिलापति गरम, है ना, कर्टसन थी ना वो, बीवी उसको छुड़ाकर लाती ना उससे। उसके बाद रेफरेंसेस टू स्लेव्स आर फाउंड इन धर्मशास्त्र टेक्स्ट एज वेल, धर्मशास्त्र टेक्स्ट एज वेल एज द नारद स्मृति, विच मेंशंस अबाउट 15 टाइप्स ऑफ स्लेव्स, दीज इंक्लूडेड मेनली द प्रिजनर ऑफ वॉर। प्रिजनर ऑफ वॉर मतलब क्या, शत्रु की सेना का कोई पर्सन जिसको कैद कर लिया गया हो, तो दीज इंक्लूडेड मेनली द प्रिजनर ऑफ वॉर, इसको मैंने आपको बताया भी था, इसको पो कहते हैं, प्रिजनर ऑफ वॉर, पो। रिड्यूस टू स्लेवरी डेड बॉन्ड्समैन जो कि किसी कर्जे में बंधे हुए हैं, एंड वॉलंटरी एनस्लेवमेंट, खुद से वॉलंटरी एनस्लेवमेंट का मतलब क्या होता है कि जिसके जीवन में, जैसे मतलब मान लो अब ये तो वही करेगा, लाइक चंडालाज ही करेंगे ऐसा काम तो वैसे तो, है ना, लेकिन फिर वही वाली बात है कि उनकी स्लेवरी को एक्सेप्ट करा भी जाएगा कि नहीं करा जाएगा, ऐसा कोई काम तो नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें टच करनी पड़ती हों तो फिर नहीं करा जाएगा उनकी स्लेवरी को एक्सेप्ट, लेकिन कचड़ पट्टी उठाना, कूड़ा कचड़ा साफ करना या ऐसा कुछ करना, तो उसके लिए हो सकता है वो अपनी खुद से वॉलंटरी तरीके से अपने आप को मतलब बंधुआ मजदूर बना ले, गुलाम बना ले। तो स्लेव्स आर जनरली रेफर टू एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स और एज पर्सनल अटेंडेंट्स, तो यहां पर स्लेव्स को वैसा नहीं देखा गया, एज प्रॉपर अनटचेबल्स, घर में काम कराने वाले लाइक ये ऐसे होंगे डोमेस्टिक सर्वेंट्स या फिर पर्सनल अटेंडेंट्स, यानी कि आपने पानी मांगा, जूते चप्पल मांगे, आपने बोला झाड़ू लगा दो, ये साफ कर दो, और ये काम कर दो, हमारा वो काम कर दो, कपड़े प्रेस कर दो, ऐसे कपड़े धो दो, बर्तन मांज दो, तो पर्सनल अटेंडेंट आपको जो काम करवाना है इनसे करो। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन, नेक्स्ट लेक्चर में लोग बात करेंगे रिलीजन, ठीक है, और ये काफ़ी ब्रॉड टॉपिक होगा, इसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे एंगल्स जानेंगे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।